नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी, वो भी बताइए, आप तो बहुत इनोवेशन करती रहती हो, सुना है हमने। जी सर। बताइए। सर, मेरा इनोवेशन एक्चुअली दो किया है। एक है स्पाइरोमीटर नाम के एक चीज है, जिसके लिए मैंने एक जीयूआई बनाया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो उस स्पाइरो जो COVID-19 के लोग होते हैं उनके लंग्स बहुत खराब होते हैं, मतलब अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे भी हो या पहले भी, तो क्योंकि COVID-19 सबसे पहले लंग्स को ही प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने ये जीयूआई इसलिए बनाया है ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनके लंग्स को जाके पंप करे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा जो दूसरा इनोवेशन है वो एक ऐप है जिसका नाम है एथलेटिक्स फॉर द आत्मनिर्भर एथलीट। सर, मैं खुद भी एक एथलीट हूँ और मैं कैराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ। उसी के साथ साथ मैं इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब मैं वहाँ पे खेलने जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ऐसे एथलीट्स थे जिसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जो स्पेशली इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइटिशियन नहीं मिलते थे या मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होता था। तो इसलिए मैंने उन लोग के लिए एक ऐप बनाई जो शायद एक महीने बाद प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा, ताकि जो रूरल बैकग्राउंड से है या जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से है वो भी वही चीज़ मिल सके, उस हिसाब का डाइटिशियन या उस हिसाब का मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ मिल सके जो एक अमीर बच्चों को मिलेगा और एक अमीर एथलीट वो भी। ये जो तुम्हारी दूसरी ऐप है वो क्या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम आएगी कि कॉमन मैन को भी काम आएगी? सर, कॉमन मैन को भी काम आएगी, क्योंकि जो न्यूट्रिशन के लिए देश भर में जो अभियान चल रहा है हमारे स्मृति जी के नेतृत्व में, देश भर में कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उसमें आपके ये ऐप का उपयोग हो सकता है? हाँ सर, ऐप का उपयोग हो सकता है। तो आपने सरकार के जो इनिशिएटिव है, योजनाएं हैं, उसको स्टडी किया है? हाँ सर, कुछ कुछ मैंने किया है जब मैंने ये ऐप डेवलप किया अगर था। उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत उपयोगी होगा, और कुछ स्टार्टअप वाले पहुँच जाएंगे तुम्हारे पास, स्टार्टअप वाले अपना स्टार्टअप बना देंगे। अच्छा, आप ये सारा काम करती हो? हाँ सर। तो तुम्हारे स्कूल का ये एनवायरनमेंट है, मित्रों का है कि परिवार का है? सर, सभी का ही है। स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, जब भी छुट्टी मांगू दे देते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली स्पेशली मेरी दीदी मुझे हमेशा बोलती है और हमेशा सपोर्ट करती है कि स्कूल के परसेंटेज थोड़ा कम आए फिर भी ठीक है, फिर भी इनोवेशन में तू ध्यान दे। तो सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी तुम्हारे साथ कौन कौन बैठा है? सर, मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। चलिए, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये तुम्हारी छोटी बहन है? नहीं सर, ये 2021 के अवार्डी है। अच्छा 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 आप लेबोरेटरी में या अपने कंप्यूटर पे दुनिया खपाती रहती हो, डिजिटल डिवाइसेस पर खेलती रहती हो और फिर खेलकूद के मैदान में भी चली जाती हो, क्या बात है? हाँ सर, सर मैं मानती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हर लड़कियों को या हर किसी इंसान को जाना चाहिए, और स्पेशली सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करती हूँ सर। चलिए, वो भी आप एक खिलाड़ी भी हैं, इनोवेशन भी करती हैं, और आपके मन में लोगों के लिए प्यार भी है, न्यूट्रिशन की चिंता करती हैं, आपने बहुत ही प्रेरक काम किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके परिवारजनों को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते।